वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दी एस्पिरेंट्स. बच्चों, मैं गोपाल आनंद आप सबका स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 SSC एंड रेलवेज इंडिया का एकमात्र चैनल जो आपको दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है. हमारा फोकस SSC एग्जाम्स भी है और साथ ही साथ, क्योंकि एनी टाइम RRB के एग्जाम्स, स्पेशली RRB JEE के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उसको भी हम फोकस करके आपकी लगातार क्लासेस चला रहे हैं. न्यू स्केड्यूल को जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ माई होल टीम. आप सबका धन्यवाद जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे मॉर्निंग के शोज़ और इवनिंग के शोज़ पे रिस्पॉन्स दिया है. एक रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ बच्चों आप सब शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे जितने भी शोज़ हैं, जो भी हम नई चीज़ें करें आपके लिए, उनको आप जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे उतना हमें अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ऑन दिस नोट शुरू करते हैं हमारा नया शो जिसका पहला एपिसोड हमने कल शुरू कर दिया है. और ये आपसे वादा है कि जो चीज़ शुरू करी है इस बार हम करेंगे. कब तक? जब तक आपको हम सक्सेस या आपका सिलेक्शन ना करा दे तब तक हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि आप सबको पता है एक नए जोश के साथ, एक नए मोटो के साथ SSC एंड रेलवेज यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा, जिसका सिंपल सा एक फंडा है, भाई आपका सिलेक्शन और हमारी सक्सेस. हमें खुशी होगी आपके सिलेक्शन से. और उसी सिलेक्शन को कराने के लिए बच्चों हम लोगों ने लॉन्च करा है हमारा नया शो, जो कि आपको करा रहा है द करंट अफेयर्स. एंड दिस इज द करंट अफेयर्स शो फॉर SSC एंड रेलवेज. यस बच्चों, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन करंट अफेयर्स, उन न्यूज़ या वो समाचार डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर SSC एंड रेलवेज एग्जाम. आई गेस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का शो हमारा देखा होगा. व्यूज़ मैंने देखे हैं, कमेंट्स मैंने पढ़े हैं. थैंक यू काफ़ी बच्चों का ये कहना था कि सर गुड टू सी यू बैक. आई एम होपिंग कि मैं लंबे समय तक आपके साथ रहूँगा, एल्स ये शो तो रहेगा. मे बी हो सकता है आगे हम दो या तीन जने मिलकर इस शो को करें. तो ऑन दिस नोट शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. कैन वी हैव द PPT प्लीज? तो बच्चों द करंट अफेयर शो 24 April 2019 पावर्ड बाई SSCAdda.com एंड Adda 24/7 ऐप एंड Adda 24/7 यूट्यूब चैनल. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज यूजफुल फॉर, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज यूजफुल फॉर NTPC, RRB JEE एंड SSC एग्जामिनेशन. क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्टेंट डिजाइन करा गया है, जिससे जो कट टू कट जो आपको पढ़ाना है, हमें पता है SSC में कट टू कट ही पूछता है. बस गोइंग थ्रू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ SSC जो भी है मेरे पास, एंड स्पेशली अभी RRB के जो ग्रुप डी के आए हैं उनमें मैं यही देख रहा था, बहुत कट टू कट करंट अफेयर्स में पूछे गए. उसी थीम पे ये शो हमने स्टार्ट करा है. नेक्स्ट वन प्लीज. तो बच्चों ये है हमारा फ्री सोर्सेज, रेगुलर आपको बताता रहूंगा, SSCAdda.com. कोई भी न्यूज चाहिए, कुछ भी कॉन्टेंट चाहिए SSC के लिए, रेलवेज के लिए, सबके लिए है SSCAdda.com. और नीचे है हमारी Adda 24/7 ऐप, एंड्रॉयड ऐप है. अगेन टाइमर से क्विज कर सकते हो, ऑल इंडिया रैंकिंग पा सकते हो, करंट अफेयर्स कभी भी पढ़ सकते हो, फ्री PDF वीडियोस, सब कुछ है एक छोटी सी ऐप में, दैट इज Adda 24/7 ऐप. ठीक है, तो चलिए ऑन दिस नोट अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स शो विद द टॉप हेडलाइंस. और आपको पता होगा टॉप हेडलाइंस से पहले हम क्या करेंगे. कल हम लोगों ने आपको दिया था एक होमवर्क, एंड अगेन थैंक यू आप लोगों ने कमेंट्स करे, आपने आंसर करा, एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ टुमारो ऑफ यस्टरडेज क्लास. ये है कल के क्लास के दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर. सबसे पहला क्वेश्चन था अमर्त्या सेन जी ने नोबेल प्राइज जीता इकोनॉमिक्स में कब, तो इसका आंसर है बच्चों 1998 में. कैपिटल ऑफ यूक्रेन क्या है, तो कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव. देन थर्ड वन इज यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस फ्रांस. आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्ध एंड होम्योपैथी. और चार ग्रैंड स्लैम्स के नाम होते हैं, चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं बेसिकली. स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, एंड लास्ट में होता है बच्चों US ओपन. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही करा. और अगर जिन लोगों ने शो नहीं देखा यार, कल की क्लासेस प्लीज़ देख लेना, 23 अप्रैल की करंट अफेयर्स उसमें है. चलिए अब शुरू करते हैं आज की द टॉप हेडलाइंस. बच्चों ये है आज की टॉप हेडलाइंस. सबसे पहली हेडलाइंस जो है वो है आज
यानी 24 अप्रैल ऑब्वियसली आप सबको बताए कि सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। इसके साथ साथ आज बच्चों नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व भी करा जाता है, पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है डिस्कस करेंगे अभी। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो उसमें उदय कुमार वर्मा जी ने रिजाइन करा है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन नेम असोचाम। देन थर्ड वन इज इंडोनेशिया ने एक स्पेशल स्टैम्प रिलीज करा है। बच्चों ध्यान रखना है ये हेडलाइंस है, इसलिए हम कट टू कट अभी हम बात करें, डिटेलिंग में हम इसके बाद इस पर जाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज इजराइल टू नेम टाउन इन गोलन हाइट्स। तो बच्चों गोलन हाइट्स जो है वो जगह है इसराइल और सीरिया के बीच में, ठीक है। मैप में मैंने देखा इसके बारे में, मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो ये इसराइल और सीरिया के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गोलन हाइट्स या गोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रशिया ने टेस्ट करा वर्ल्ड्स का पहला इंडिया मतलब दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बेसिकली देखा जाए तो समुंदर पे पूरा बनाया गया है उन्होंने। एंड देन नेक्स्ट वन इज बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड। तो भाई ये है आज की जो है हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब पढ़ते हैं इन्हीं न्यूज़ को डिटेल में। सबसे पहली फर्स्ट वन, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाई 24 अप्रैल? क्योंकि बच्चों जब हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में जब पंचायत के बारे में लिखा गया था, वो जो बिल था वो 73rd अमेंडमेंट में था और उसको दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। मतलब जो भी हमने सिस्टम बनाया पंचायती राज का, जो सिस्टम हमने अपने संविधान में लिखा, वो हमने एक अमेंडमेंट में के थ्रू करा। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप संविधान में कोई भी बदलाव करना चाहते हो, या ऑब्वियसली आप तो नहीं कर सकते, जब भी पार्लियामेंट जो है संविधान में कोई भी बदलाव करना चाहे तो उसके लिए अमेंडमेंट निकलता है, या जिसके लिए एक बिल निकलता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो 73rd अमेंडमेंट में जो कि 1992 में हुआ था, उसमें पंचायती राज के बारे में लिखा गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और वो कब से लागू करा गया, दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। कट टू कट करते हैं, 24 अप्रैल को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? नेशनल पंचायती राज डे, क्लियर। नेक्स्ट वन, उदय कुमार वर्मा रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल इन असोचैम। तो बच्चों आप देख सकते हो, आप इसमें असोचैम जिसकी फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हो, उसमें लिखी हुई है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो असोचैम के सेक्रेटरी जनरल एसजी, मतलब सेक्रेटरी जनरल कौन थे? उदय वर्मा। और इन्होंने क्या कर दिया है भैया, इन्होंने कर दिया है रिजाइन। और ऑब्वियसली जब रिजाइन करता है, एग्जैक्ट कारण कभी सामने नहीं आता है, तो इसलिए हमें भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो कट टू कट रखते हैं कि नेम द सेक्रेटरी जनरल हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फ्रॉम असोचैम। तो आंसर विल बी उदय वर्मा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन मेरा अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब आपको ये बताना है मुझे कि असोचैम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आज का पहला क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, असोचैम के सेक्रेटरी जनरल जो थे वो कौन थे? वो थे उदय वर्मा। जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है बच्चों? वो है बीके गोइंका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इंडोनेशिया ने, अभी हमने डिस्कस करा था, इंडोनेशिया ने रिलीज करा एक स्पेशल स्टैम्प। स्टैम्प आप समझते हो ना, जो पोस्ट कार्ड पे जो स्टैम्प लगते हैं, ऑन द थीम ऑफ रामायण। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और मैं बताऊँ, इसका क्वेश्चन अगर बनेगा ना, तो इसका क्वेश्चन यही बनेगा कि बताओ कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली किसी चीज़ को सेलिब्रेट या कमोमरेट या किसी दिन को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए क्या करा है, कुछ एक स्पेशल स्टैम्प निकाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। क्यों? चलिए डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो इंडोनेशिया ने एक
स्पेशल कमोमरेटिव स्टैम्प। बच्चों जो कमोमरेटिव का मतलब क्या होता है, कमोमरेटिव का मतलब होता है कि हमने किसी दिन को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए, उसको और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए कोई अगर हम एक्टिविटी करें, तो वही इसका मतलब है। यहाँ पे इंडोनेशिया ने एक स्टैम्प रिलीज करा है, स्पेशल कमोमरेटिव स्टैम्प ऑन द थीम ऑफ रामायण टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ इंडिया। समझ में आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ, इंडोनेशिया और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज है, मतलब आपस के दोनों के जो संबंध है, उसको अब 70 साल हुए और इस 70 साल को सेलिब्रेट करने के लिए, 70 साल को इस इवेंट को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कमोमरेटिव स्टैम्प निकाला जो किस थीम पे था, वो था रामायण, रामायण की थीम पे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर हुआ, एक बार दोबारा आ जाते हैं। बताओ बच्चों क्या क्लियर है, और इसको डिज़ाइन किसने करा है, बाय रिनाउंड इंडोनेशियस स्कल्पचर पद्मश्री बापक नियोमन नुवार्ता। ठीक है, क्लियर सबको? तो कौन से देश ने स्पेशल स्टैम्प बनाया है या स्पेशल स्टैम्प रिलीज करा है ऑन द थीम ऑफ रामायण? तो द आंसर विल बी इंडोनेशिया। पर्पसेस दोनों कंट्रीज के बीच में 70 साल जो पूरे हुए उसको, उस इवेंट को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो अब यहाँ पे जब भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों, करंट अफेयर्स में एक पार्ट होता है स्टैटिक अवेयरनेस, और स्टैटिक अवेयरनेस हमने ज़्यादातर देखा है उन्हीं कंट्रीज से पूछा जाता है जो कंट्रीज न्यूज़ में होती है, जैसे अभी श्रीलंका फॉर ऑब्वियसली फॉर वेरी बैड इंसिडेंट जो कि हुआ है वो अभी न्यूज़ में, एंड यहाँ पे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की। और जब भी कोई कंट्री की हम बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक होता है कैपिटल, एक होता है करेंसी। एक चीज़ मैंने दी हुई है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़ इंडोनेशियन रुपया। ये तो आसान था, आपको भी लगा सर ये तो आसान दे दिया। अब बच्चों आज का दूसरा सवाल, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दो क्वेश्चंस आज के मैं दे चुका हूँ, आज के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन। एक बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये वैसे न्यूज़ ही आई थी बट मुझे लगा कि न्यूज़ की जगह इसको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं। द टोटल डिपॉजिट्स, अब सबको पता है जनधन 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 जनधन, व्हाट वाज जनधन योजना? अब ये मत सोचना सर ये तो बैंक से रिलेटेड है, नहीं भाई ये इंडिया से रिलेटेड है, ये रूरल एरिया से रिलेटेड है, ये छोटे छोटे टाउन से रिलेटेड है, क्योंकि इस स्कीम की वजह से खाते खुले बिना किसी मिनिमम बैलेंस के। आप सबको पता होगा जनधन योजना जो स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी थी, इसका मेन पर्पस ये था कि सबको बैंकिंग को हर जगह घर घर में बैंकिंग की सुविधा जो है वो पहुंचाना, इसीलिए बिना कोई मिनिमम बैलेंस रखे अकाउंट्स खोले गए थे, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है बच्चों। द टोटल डिपॉजिट, डिपॉजिट समझते ना जमा, इन द जनधन अकाउंट आर सेट टू क्रॉस 1 लाख करोड़। समझ रहे हो, मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जनधन अकाउंट है उनमें कुल जमा राशि कितनी होने वाली है, 1 लाख करोड़। ठीक है, और कब शुरू करी गई थी, द स्कीम वॉज लॉन्च इन ऑन 28th of August 2014 बाय मोदी गवर्नमेंट विद द एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज टू ऑल हाउस होल्ड। इसका मतलब ये कि भाई घर घर में बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड कराना मोटिव था। बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज़ यार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरा मैं कहूँगा दिस इज़ माई 2.0 थिंग, मैं दोबारा वापसी कर रहा हूँ इन टीचिंग, मैनेजमेंट का रोल मैं निभा रहा हूँ, बट स्टिल दिस इज़ माई कम बैक आई कैन से। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ फीडबैक्स हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसे मैं पहले फीडबैक लेता था, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, नहीं सर ये चीज़ आप और करो या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली आप वो इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर देखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन प्लीज। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे मैंने डिस्कस करा था आपको हेडलाइंस में, उन्होंने बताया था इज़राइल टू नेम टाउन इन गोलन हाइट्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसको समझते हैं एक बार, तो बच्चों जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एक
प्लेस है गोलन हाइट्स, ये बेसिकली इसराइल और सीरिया के बीच में आता है। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एप्रिसिएशन दिया, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, एप्रिशिएट मतलब कुछ सराहना करी उन्होंने, और उस सराहना को एक अच्छी चीज़ समझ के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड करा कि गोलन हाइट में हम एक टाउन का नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखेंगे। और अभी इतनी ही डिटेल्स है तो एक बार पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ हमारे सामने यही निकल के आता है कि यार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, सामने लिखा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू। तो गोल्डन हाइट्स को समझने के लिए इसराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने क्या करा है, ही वुड नेम अ कम्युनिटी इन गोल्डन हाइट्स आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब उनके नाम पे एक कम्युनिटी या एक टाउन का नाम रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, इन गोल्डन हाइट्स पे। और किसके नाम पर, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चाहे किसके नाम पर, यूएस प्रेसिडेंट के नाम। ठीक है, पक्का समझ में आया, हिंदी की थोड़ी राइटिंग ख़राब हो सकती है बट समझ में आया, एक बार दोबारा दिखा दीजिए। ठीक है, क्लियर है। वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, पूरा पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज द डिस्प्यूटेड एरिया एज इजरायली टेरिटरी। He also stated that in appreciation of the US president, it intends to name proposed train station near Jerusalem's Western Wall after him. तो एक तो क्या रखा जाएगा, एक तो गोल्डन हाइट्स में एक टाउन किन के नाम पर रखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि जो जेरूसलम, अब जेरूसलम क्या है, ये है कैपिटल इसराइल की। और बच्चों यहीं से मेरा तीसरा क्वेश्चन निकलता है कि करेंसी क्या है, कैपिटल मैंने नीचे लिख दिए। तो जेरूसलम में एक रेलवे स्टेशन या एक ट्रेन स्टेशन जो बना रहे हैं उसको भी किसके नाम पे रखा जाएगा, तो आंसर विल बी यूएस प्रेसिडेंट। बट जहां पे जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि गोल्डन हाइट्स में एक वहां पे एक टाउन का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, दैट विल बी ऑन द नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। और ये किसने डिसाइड करा है, किसने अनाउंस करा है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर सबको, नेक्स्ट वन प्लीज। तो बच्चों ये तो कट टू कट न्यूज़ है, और इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट किसने सक्सेसफुली टेस्ट करा है, तो आंसर विल बी रशिया। यही ये न्यूज़ है, पढ़ते एक बार, रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये किसने एक तरीके से स्टेट करा है, किसने कन्फर्मेशन दी है, एकेडमिक लोमोंसोव जो कि कंपनी है जिसने इस पर काम करा है। ठीक है, तो विच नेम द कंट्री वो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, आंसर विल बी रशिया। कैपिटल है करेंसी है रूबल। तो अब आपको बताना है, मेरा आज का चौथा और आखिरी सवाल है, रशिया का कैपिटल। ठीक है, पक्का। नाउ द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द लास्ट वन, अगेन कट टू कट, बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड। अब कहां जीता डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड नंबर वन, अभी मैं बता दूं करंट इनकी रैंकिंग नंबर वन है, तो वर्ल्ड नंबर वन बजरंग पुनिया वन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अभी चाइना में हो रही है। ठीक है, तो किस में जीता है इन्होंने, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अभी रिसेंटली कहां पे हो रही है, चाइना में हो रही है। किसको हराया, ही डिफीटेड कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के सैयदबेक ओकासोव इन द 65 kg मेंस फ्री स्टाइल में। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी में जीता इन्होंने, 65 kg मेंस फ्री स्टाइल। ठीक है, क्लियर। और ये इनका सेकेंड गोल्ड है इन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप, इस साल एक अभी जीता और एक इन्होंने जीता है 2017 में। ये तो सिंपल है, द वर्ल्ड नंबर वन बजरंग पूनिया वन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। और ये इसी बात पे मैं एक और आपको पॉइंट समझाना चाहूँगा बच्चों, जब भी स्पोर्ट्स का न्यूज़ क्वेश्चन आता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रेसलिंग एंड ऑल, तो आपको जो बॉक्सर्स जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाएगा कि बजरंग पूनिया जो है वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो आंसर विल बी रेसलिंग। ठीक है बच्चों,
क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो बच्चों ये है हमारे आज का करंट अफेयर्स, एक बार जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। और ये है हमारे इस करंट अफेयर्स के बेसिस पे आज का क्विज। 4 क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन मैंने आपसे पूछे थे। हेडक्वार्टर असोचैम का कहाँ पर है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, करेंसी ऑफ इसराइल क्या है और कैपिटल ऑफ रशिया क्या है। तो आज ज़्यादातर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारे सामने आए हैं, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनको हमने नहीं दिया है क्योंकि अगेन दिस इज़ अ स्पेसिफिक शो फॉर बैंक फॉर SSC एंड रेलवेज। ठीक है, अब जल्दी से एक बार रिकैप कर दीजिए, टॉप न्यूज़ पे सबसे पहले वाली पे आ जाइए। तो ये हमारे आज की टॉप न्यूज़ है, आज ऑब्जर्व करा जाता है नेशनल पंचायती राज डे। इसके अलावा उदय कुमार वर्मा जी ने सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट से रिज़ाइन करा है फ्रॉम असोचैम। इसके अलावा इंडोनेशिया ने एक स्पेशल स्टैम्प रिलीज करा 70 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए विद इंडिया, किस थीम पर, रामायणा थीम पर। फिर इसराइल ने डिसाइड करा है कि एक गोलन हाइट्स में एक टाउन का नाम रखा जाएगा, किसके नाम पर, US के प्रेसिडेंट के नाम पर। फिर रशिया ने टेस्ट करा वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट और बजरंग पुनिया ने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड। तो बच्चों ये है हमारा आज का करंट अफेयर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना मर्ज़ी चाहे इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हों बच्चों प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि कल हमने देखा कि हमारा प्राइम ऑफर हमने शुरू करा और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस सबको करनी है, तो इसलिए बच्चों हमने आज के लिए प्राइम और एक्सटेंड करा है। एक बार स्टोर पे एक बार बैनर दिखा दीजिए प्लीज़। तो बच्चों ये है बैनर, 449 रुपीज़ से प्राइम शुरू हो रहा है, कुछ ही घंटे रह गए हैं। इसके बाद जो है वो इस महीने तो नहीं मिलने वाला प्राइम टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ लेनी है, सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड हो जाते हैं। विजिट करिए store.adda247.com और आज भी ये ऑफ़र जो है वो अवेलेबल है। और अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों मेरी आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो। नेक्स्ट वन प्लीज़। तो ये है मेरी मेल आईडी gopal.anand@adda247.com, कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन है मेल करिएगा और जितना मर्ज़ी चाहे इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।